हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हमदा ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेकर आई हूँ वो मैं आपको पहले बताती चाहूँगी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हमदा ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और वो भी फ्री और इसमें कोई जो है वो आपके पैसे नहीं लगेंगे। खैर अब जो है वो हम इस क्रीम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। इस क्रीम के बारे में मुझे लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है इस क्रीम के बारे में रिव्यू दें, क्योंकि ये जो है ये आपको क्रीम जो है वो हर जगह से अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ उधर ही अवेलेबल है जहाँ पे जो है वो जहाँ से जो इसकी कंपनी है सिर्फ उधर ही आपको अवेलेबल होगी, उनकी शॉप से अवेलेबल होगी, लेकिन आपको आम कॉस्मेटिक से या कॉस्मेटिक शॉप से अवेलेबल आपको नहीं होगी। खैर इसके बारे में आपको बताती चलूँ तो ये है एक हेमानी की क्रीम है। हेमानी जो है वो WB हेमानी, आपने नाम सुना होगा। मैंने भी ये क्रीम जो है वो हर जगह से सर्च की, मैंने कहा कि यार मैं जाके देखती हूँ कि कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगी, कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक शॉप पे अवेलेबल होगी, बट ये किसी भी जो है वो आम कॉस्मेटिक शॉप पे अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे और क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। ये आपको मिलेगी सिर्फ जो है वो हेमानी की जो है वो दुकान है या शॉप जो भी हेमानी WB हेमानी है। WB हेमानी जो है वो वसीम बादामी की है और सिर्फ आपको जो है वहीं से अवेलेबल होगी। अच्छा अब मुझे इन लोगों ने कहा था कि जी आप इसके बारे में रिव्यू करें और हमें बताएं कि ये कैसी है। सो मैंने कहा कि आज मैं इसके बारे में रिव्यू करती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद भी जो है वो ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आपके बारे में आपको इसके बारे में बताती हूँ। अच्छा ये हिमानी की वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम है और इसमें जो सबसे इन्होंने पहली चीज़ दी है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि आपने जो है वो एक वाइटनिंग सोप जो है इन्होंने अपना ही दिया हुआ है और वही आपने लगाना है अगर आपको क्रीम का रिजल्ट चाहिए। सो ये एक वाइटनिंग ब्यूटी सोप है और जो है वो जैसे सोप्स काम करते हैं इसी तरह ये भी काम करेगा और जो है आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसमें जो है वो दिया जाता है। सो ये वाइटनिंग ब्यूटी सोप है और 3-in-1 एक्शन करता है, वाइटनिंग करता है, एंटी रिंकल है और एंटी एक्नी है। और ये इन्होंने कहा कि ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स हैं, 100% नेचुरल हैं। अच्छा जो ये WB हिमानी की जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल हैं, सो इस वजह से ये कि जो हर्बल होती हैं इनकी क्रीम्स आपको सस्ती रेंज में भी मिल जाएगी जिसमें आप इजीली कॉस्मेटिक्स बाय कर सकते हैं और महंगी रेंज में भी है जो कि उसका एक अच्छा एक रिज़ल्ट आता है, सो वो भी जो है वो अच्छी है इनकी। खैर ये हिमानी ब्यूटी सोप है, ये एडवांस फार्मूला है इसमें वाइटनिंग का और ये रिमूव करता है ब्लैक हेड्स और एक्नी को, मॉइस्चराइज करता है डीपली एंड वाइट करता है, प्रोटेक्शन जो है वो हार्श एनवायरमेंटल फैक्टर से, और डायरेक्शन भी ये दी हुई है कि आपने क्लींस फेस और नेक पे लगाना है और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने ट्वाइस अ डे यूज़ करना है। अच्छा अब मैं इस क्रीम के बारे में आपको बताती हूँ कि इन्होंने अंदर एक क्रीम भी दी हुई है और ये जो है ये हिमानी वालों की अपनी क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है। ये आपको सिर्फ जो है आपको WB हिमानी की शॉप से मिलेगी या फिर आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कॉस्मेटिक की शॉप से नहीं मिलेगी। अब जो वाइटनिंग क्रीम है ये जो है ये इन्होंने कहा कि इसमें गोल्ड डाला हुआ है इसमें, और ये ब्लैक हेड्स और एक्नी को रिमूव करता है, मॉइस्चराइज करता है डीपली एंड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और ये अचीव आपको मतलब आपकी स्किन अचीव करती है फेयर स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन नेचुरली। सो डायरेक्शन ऑफ इसके यूजेस यही हैं कि अप्लाई करना है अपने क्लेंस फेस पर और नेक पर और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप यूज़ करेंगे ट्वाइस अ डे। जो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट इन्होंने डाला हुआ है जिस जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, और वो क्योंकि मोस्टली फार्मूलाज में वही चीज़ डली हुई होती है और वो है बीज वैक्स। सो बीज वैक्स जो है क्योंकि इन्होंने पहले से ही बताया हुआ है कि जी ये हर्बल है और जो है वो हर्बल चीज़ें जो होती हैं वो आपकी स्किन को हमेशा देर से रिजल्ट देती हैं बट अच्छा रिजल्ट देती हैं।
तो ये जो है ये एक हिमानी की जो है वो क्रीम है, और इसका जो टेक्सचर मैं आपको बताऊँ तो ये वाइट कलर की है, और इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो सो आप जो है जब अप्लाई करते हैं स्किन पर तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो थिक क्रीम, थिक लेयर जो है वो लगा ली है, ईजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है। और जैसे कि मैंने अपने और वीडियोस में भी आपको बताया है कि कभी भी डे टाइम में और नाइट टाइम में हमेशा क्रीम को यूज़ किया करें, अर्ली मॉर्निंग में यूज़ किया करें या नाइट टाइम में जब आप सोने लगे तब यूज़ किया करें। उससे पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, अभी बल्कि मैं हाथ पे आपको डेमो करके भी दिखा रही हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो मसाज भी किया है हल्का सा सर्कुलर मोशन में, लेकिन जो है वो उसकी वजह से फिर भी ये इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं हुई और स्किन के ऊपर ऊपर रहती है। सो इसका जो अंदर है वो इसका एक उन्होंने लीफलेट प्रोवाइड किया हुआ है जो कि उन्होंने बताया हुआ है कि ये 100% गारंटीड है, और इसका जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, एंटी रिंकल है, एंटी एक्नी है, सोप है इसमें, और सारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं और जो है वो इसमें बहुत अच्छा है। सो ये वैसे मेड इन पाकिस्तान है बट इसके ऊपर लिखा हुआ जो है वो अरबी की फॉर्म में भी लिखा है, पीछे से अगर देखें तो अरबी की भी है, अरबी लिखी हुई है, और वही लिखा हुआ है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी तरह उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट वही है कि बीज वैक्स है, पेट्रोलियम जेली है एंड विटामिन ई, पैराफिन ऑयल, कोजिक एसिड और इसी तरह की शेयर बटर है, एक्वा है, फ्रेगरेंस सी ट्री ऑयल है एंड कलर है। कोई इन्होंने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो ये है कि इसमें मरकरी इंक्लूडेड नहीं है। मरकरी असल में जो कोई भी क्रीम होती है जब मरकरी आप उसमें डालते हैं सो मरकरी की वजह से आपकी स्किन जो होती है वो पतली होती है, और उस पर जो है फ्रैकल्स और एक्नी जो है जब आप उस क्रीम को छोड़ते हैं तो उसको बहुत बुरा इफेक्ट आपकी स्किन पर आता है। सो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इस क्रीम को जो है वो ट्राई ज़रूर करिएगा, लेकिन जिनको जो है वो एलर्जी है बहुत तेज़ खुशबू वाली क्रीम से वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जो है वो अतर की लगा ली है। तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ है जो कि सर में लगती है। सो अगर जिनको जो है वो खुशबू से एलर्जी है वो इस क्रीम को बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, और क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी जिससे अतर टाइप है, बहुत तेज़ है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी पर्सनली। और उसके अलावा ये क्रीम एक थिक फॉर्म में है, सो आप इसको अप्लाई करके मुझे जो